बच्चों, अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सातवीं की दूरवा का दूसरा पार्ट, सबसे सुंदर लड़की। बच्चों, आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे जब हम छोटे थे ना बच्चों, तो हम एक नियम बोलते थे, नियम मतलब थॉट फॉर द डे होता ना ऐसे, तो उसमें एक नियम बोलती थी मैं छोटी थी जब, कि सुंदरता आंखों का भ्रम है, सुंदर वो नहीं है जो सुंदर है, सुंदर तो वो है जो सुंदर काम करे। तो ये जो सुंदरता है, बाहरी सुंदरता, ये केवल आंखों का भ्रम है, मतलब हमारी आंखों को भ्रम होता है कि ये सुंदरता तो एक दिन मिटने वाली है। लेकिन सुंदर आप कब, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सुंदर दिखें, तो आप कब सुंदर दिखेंगे? जब आप सुंदर काम करें। कुछ समय बाद ये चीज आपके चेहरे पे छप जाती है। आप देखते हैं कई लोग बहुत सुंदर है, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अच्छे नहीं लग रहे वो। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि शायद उनके मन में जो कुटिलता है वो उनके चेहरे पे आने लगती है। अब जब मैं बोल रही हूँ तो आप अपने बहुत सारे ऐसे मित्रों को याद कर रहे होंगे जो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन आपको अच्छे नहीं लगते। लेकिन और कुछ ऐसे मित्र हैं जो बहुत ही सामान्य से दिखते हैं, और लोग भी कहते हैं नहीं ये तो बड़ा देखने में एवरेज है, लेकिन वो हमें बहुत अच्छा लगता है, आंखों को बड़ा भाता है। तो क्यों भाता है? क्योंकि उसके काम अच्छे हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, एक समय के बाद वो ही हमारे चेहरे का हाव भाव एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लोग लगते हैं और कुछ लोग हमें सुंदर होते हुए भी अच्छे नहीं लगते। तो कुछ इसी तरीके के हाव भाव लिए हुए ये हमारी कहानी है, सबसे सुंदर लड़की। और इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ये भी बच्चों की कहानियां लिखने में बड़े माहिर है। ठीक है, तो हम लोग अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में बच्चों तीन पात्र हैं, एक है हर्ष जो बालक है, लड़का है, एक है कनक और एक है मंजरी। ठीक है, तो कनक, मंजरी और हर्ष ये तीनों दोस्त हैं, इनकी ये कहानी है, इसी पे आधारित है। और ये सब क्या है? समुद्र में, समुद्र के पास रहते हैं, तो आप समझ लीजिए मछुआरे हैं, उनकी ये कहानी है, बहुत ही रोचक अच्छी कहानी, पढ़े इसे। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। कलाकार क्या होता है? आर्टिस्ट, जिसका हक हो, जो किसी भी कला में माहिर हो, किसी एक काम को करने में, आर्ट में, किसी का उसमें विशेष में निपुण हो। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। समुद्र की लहरों से खेलता, जाल मतलब जो मछली पकड़ने का जाल डालता, और सीपियां, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पे सफेद रंग की सीपियां पड़ी रहती हैं, जो हमें रेत के पास मिट्टी में मिल जाती है। जब आप सी बीच पे जाते हैं तो आपने कई बार बच्चों ने बटोरी होंगी, और वहां पे आपको सी बीच के किनारे पे बहुत सारे लोग सीपियों की माला लेके भी आपको मिलते हैं, और वैसी माला वो बटोरता, मतलब उसकी वो माला बनाता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। अब समुद्र में जब जाल डाला जाता तो खाली मछलियां नहीं आती, बल्कि क्या क्या आ जाता? रंग बिरंगी सी कौड़ियां आ जाती, कौड़ियां होती ना जैसे शंख जैसी ही समझ लीजिए, कई प्रकार के सुंदर सुंदर रूप के शंख, चित्र विचित्र पत्थर, और न जाने क्या क्या समुद्र के जाल में, वो जाल अपने आप में समुद्र में से समेट लेता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने बनाता, मालाएं बनाता और आसपास के बड़े नगर में बेच देता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी उसकी 11 की भी नहीं थी, पर वो समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता था जैसे तालाब में बत्तख। तो जो लोग तो शुरू से समुद्र के में के पास ही पैदा हुए हैं, तो क्या हो रहा है उनके साथ? इस बच्चे की उम्र 11 साल की भी नहीं है, लेकिन उसको समुद्र की लहरों से डर नहीं लगता। जब हम सी बीच पे जाते हैं तो हम देखते हैं जो मछुआरे हैं, और मछुआरों के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते वो लहरों से, और वो ऐसे लहरों में घुस जाते हैं बिना किसी भी प्रकार के वो पहने, टायर वायर, हम लोग तो कितना कुछ प्रिकॉशन लेते हैं उसके लिए, इतनी सावधानियां बरतते हैं, तो वो तो बड़े आराम से एक साधारण सी लकड़ी की नाव लेके बीच समंदर में चले जाते हैं। आपने भी इस प्रकार के दृश्य देखे होंगे। तो ये जो बच्चा है हर्ष, ये भी इस तरीके का ही बच्चा है। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया, उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। तो कलाकार का एक रिश्तेदार है, उसका जो मित्र था वो आया अपनी बेटी के साथ इनके घर पे, उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी, होगी कोई 9-10 साल की, यानी लगभग इसी के बराबर की।
पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी, मतलब बहुत ही देखने में बहुत सुंदर थी वो लड़की मंजरी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, अरे हर्ष तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तभी एक बड़ी सी लहर दौड़ती हुई हर्ष के पास आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मतलब इतनी ऊंची लहर आई तो मंजरी तो डर के मारे चीख कर पीछे उड़ गई, पीछे भाग गई, और हर्ष तो उछलकर लहर पे सवार हो गया और आराम से तैरते तैरते किनारे पे आ गया। मंजरी डरती थी पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वो बाकी उन्हीं के अपने बराबर की लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर एक खास बच्ची थी कनक, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों में दूर निकल जाती। तो वो भी हर्ष की मित्र थी और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वो तो वही पली बड़ी थी, तो उसको भयभीत नहीं होती थी वो लहरों से, और वो हर्ष के बराबर उसके साथ दूर लहरों तक चली जाती थी। तो इस बात से जो ये मंजरी थी वो बड़ा जलने लगी, चिढ़ने लगी। लेकिन जो कनक थी वह बेचारी थी बड़ी गरीब, उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए और लौटे ही नहीं। यानी जो कनक है उसके पीछे एक दुख भरी कहानी है कि उसके पिता नाव लेके समुद्र में गए थे लेकिन वापस नहीं आ पाए। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी और कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को पर वो जरा सी भी नहीं अच्छी लगती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको लगता था कि हर्ष केवल मेरे साथ मेरा ही मित्र बन के रहे, वो जो है कनक से ज्यादा बात ना करे। लेकिन कनक इतनी बहादुर थी तो हर्ष का उसके साथ भी बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन हर्ष ने देखा कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे थे। वह एक पक्षी था और रंग बिरंगी सिप्पियों से बन रहा था। वो देर तक देखता रहा, बोला, बाबा आप ये किसके लिए बना रहे हो? तो कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना, 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम उसे इस पक्षी को उस मंजरी को भेंट कर देना। बस हर्ष को तो बड़ा मजा आया क्योंकि वो मंजरी बहुत सुंदर थी तो सभी उसकी ओर आकर्षित होते थे। तो हर्ष को भी बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा, हाँ बाबा ये पक्षी मैं मंजरी को जरूर दे दूंगा। वह दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र के किनारे ले जाकर बातें करने लगा और बोला, अरे सुनो मंजरी, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तो मंजरी ने कहा, हाँ तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, बाबा ने। उस दिन तुम क्या करोगी? उसने कहा, मैं सवेरे नहा धो के सबको प्रणाम करूंगी और अपनी सहेलियों को दावत दूंगी, सब वो नाचेंगी गाएंगी। इस तरह बातें करते करते न जाने वो कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। अब हर्ष ने कहा, आ जाओ ये एक चट्टान है, इस पे बैठते हैं। मंजरी भी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है, उससे भी आगे समुन्द्र में जोती। तो कनक ने कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने कहा, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई कि वो वहां क्यों नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो जो पत्थर था वो समुद्र के और अंदर था जहां पर कनक बैठी हुई है, उसको भी डर नहीं लगता। और उसको मंजरी को लगा कि जरूर ये तो सोचेंगे कि मैं तो बड़ी कमजोर हूं और मैं तो आगे समुद्र में जा नहीं सकती, मैं डरपोक हूं। वो ये सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी, तभी एक बड़ी सी लहर आई और मंजरी के पैर उखड़ गए। एक बड़ी चट्टान की दिशा में वो लुढ़क गई, उसके मुंह में खारा पानी भर गया। समंदर का पानी कैसा होता है बच्चों? समुद्र का पानी खारा होता है। उसे होश ही नहीं रहा, सब कुछ इतना आनंद फानंद में हो गया, मतलब इतना जल्दबाजी में हो गया कि उसने सोचा, एकदम से शंख दिखा, उसने जैसे वो गई समुद्र की लहर आई और वो बेचारी लहर में गिर गई। कौन? मंजरी। अब हर्ष ने देखा और वह चिल्लाता हुआ उधर बड़ा, पर तब एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, पर उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे अपने हाथों में थाम लिया। यानी जो कनक थी, जो सुंदर बच्ची नहीं थी, जो गरीब थी, उस बच्चों बच्ची फटाफट कूदी पानी में और उसने मंजरी को डूबने से बचा लिया। दूसरे ही क्षण तीनों बच्चे छोटी चट्टान पर आ गए। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकला। उसने आंख खोल के देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी और वो बार बार कनक की ओर देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और वो तो उससे जलती थी, लेकिन उसको थोड़ा दुख लगा कि ये कितनी अच्छी है कनक। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सब उसके लिए कुछ ना कुछ लाए थे। अंत में कलाकार की बारी आई, उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए
सबसे सुंदर खिलौना बनाया। आप जानते हो वह लड़की कौन है? वह है मंजरी, क्योंकि मंजरी बहुत खूबसूरत थी। तो उन्होंने इतनी सारी तारीफ करके इसके पिता ने हर्ष के और कहा कि मंजरी सबसे खूबसूरत है, मैंने सबसे खूबसूरत लड़की के लिए खिलौना बनाया और मैं इसको मंजरी को भेंट करना चाहता हूँ। सब बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा, बड़े प्यार से उसने सुंदर खिलौना मंजरी के हाथ में दे दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी और उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी और बड़े प्यार से उसने उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, क्योंकि सबसे सुंदर लड़की मैं नहीं हूं, सबसे सुंदर लड़की तुम हो कनक। और एक क्षण में सभी उसको अचरज से हैरानी से देखने लगे कि कनक तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तो ये कैसे कह रहा है। फिर जब सबको समझ में आया कि मंजरी ने उसको खूबसूरत क्यों कहा, तो सब समझ गए कि कनक इतनी प्यारी बच्ची है जिसके पिता नहीं है, जो अपनी आजीविका यानी अपने आप कमाती है, सिपियों की माला बनाकर भेजती है, और जब मंजरी के प्राण खतरे में पड़े तो उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना समंदर में कूदकर मंजरी को बचा लिया। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखी जा रही थी। उसको बहुत अच्छा लगा कि किसी ने उसकी तारीफ की, क्योंकि सब तो कोई तो उसकी तारीफ नहीं करता था। और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें मानो बधाई दे रही थी कि बच्चों ने, कि जो आज मंजरी है उसने एक बहुत ही उत्तम काम किया है। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी, सबसे सुंदर लड़की। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो हर्ष के पिता क्या काम करते थे, हर्ष के पिता क्या काम करते थे बताइए, क्या करते थे? वो सीपियां से तरह तरह के खिलौने बनाते थे और उन सबको ले जाकर बाजार में बेचा करते थे। ठीक है, तो आप ये बताएंगे। और कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? कनक छोटे छोटे पंखों शंखों की मालाएं बनाकर इसलिए बेचती थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे, और उसके पिता नहीं होने की वजह से उसको ये काम करने पर मजबूर विवश होना पड़ता था, वो खुद ही अपने कार्य किया करती थी। बच्चों मन की सुंदरता पे एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना, ये लिखी है राजीव रंजन शुक्ल ने। मन की सुंदरता, समय जब करता वार, तन की सुंदरता जाती हार, मन की सुंदरता पर नहीं कर सकता कोई प्रहार, मन जब हो निर्मल तभी प्रयास होते हैं सफल, जब होता मन निश्चल और निस्वार्थ, प्रेम का तभी ही है कोई अर्थ। तो ये है कि तन की सुंदरता से ज्यादा बड़ी है मन की सुंदरता। तो मैं आप बच्चों से आशा करती हूँ आपने इस पाठ को समझा तो होगा ही, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि अपने वो मित्र जो बहुत सुंदर नहीं दिखते लेकिन जिनके मन सुंदर है, उनकी भी आप भूरी भूरी प्रशंसा किया करें और उनसे प्रेम किया करें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।